Hi. हेलो विनीता मैम, हमारा आज का सेशन है हाफ हार्टेड ड्रीम्स पर, के आधे अधूरे सपनों पर लिखी हुई आपकी खुद की लिखी हुई कविताओं पर। आप में से जो भी अपने आधे अधूरे सपनों पर लिखी कविताएं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हम अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं आपके अधूरे सपनों की कविताएं, वो प्यारी कविताएं जो भले ही अधूरी रह गई थी, जिनमें इच्छाएं, लेकिन वो इंस्पायरिंग है। क्या आज कोई प्रॉब्लम है जो आज कोई रिक्वेस्ट? हाय, हाय दी, कैसी हाय शिल्पा। हाय, कैसी हो शिल्पा? है? आवाज मेरी ठीक से आ पा रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ दी, बहुत ब्लर भी आ रहा है और आवाज भी कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं। अरे तभी मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम पड़ रही है। शिल्पा, मैं तुम्हें दोबारा से ज्वाइन करूं? आप प्लीज श्योर बने दी, रहिएगा। ओके। जी। शुभागिनी, में मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए, हम आपको पहले ज्वाइन कर लेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं? आई एम फाइन, जस्ट अ ओके सेकेंड। ओके। यस, सो आप क्या हाउ आर सुनाने यू? वाले हैं? मैं आई एम फाइन। बस थोड़ा सा ही टाइम दूंगी, बिकॉज है ना, बिल्कुल। मुझे अपने स्कूल के सेशन को ज्वाइन करना है अभी, तो ओके, बिल्कुल इसलिए मैं कह रही थी कि मैं पहले ज्वाइन कर लेती, तो कुछ ना बिल्कुल कुछ मैम, इशू आ रहा था बिल्कुल। आई थिंक। यस यस यस, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। तो ये तो आप कुछ अपनी हाँ, ये कुछ लाइन्स है ना, मैंने अभी नहीं लिखी थी, हो सकता है कुछ कच्ची पक्की सी लगे, क्योंकि बहुत पहले लिखी हुई थी मैंने ये, तो अच्छा, सुनाती हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। कुछ अधूरा ना रहे जिंदगी की हर शाख पर, जिंदगी की हर शाख पर कोई शिकवा दूसरी ना रहे, हर फूल महके इस बाग का, हर फूल महके इस बाग का कोई तमन्ना अधूरी ना रहे। देखे जो बरसों हमने वो ख्वाब अधूरा ना रहे। जीते हैं हर पल जिसको, जीते हैं हर पल जिसको वो पल अधूरा ना रहे। जीवन की इन राहों की कोई एक धुरी ना रहे। आकाश पहुंचने वाली हो वो राह अधूरी ना रहे। ब्रह्मांड की इस गंगा का विस्तार अधूरा ना रहे। रिश्तों में हो विश्वास जहां, रिश्तों में हो विश्वास जहां वो वाह, आधार अधूरा ना रहे। कुछ भूले पुराने रिश्तों के, कुछ भूले पुराने रिश्तों के कोई सार अधूरा ना रहे। जो टूट गए उन यादों की कोई हार अधूरी ना रहे।
यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैम, वेरी ब्यूटीफुल। आप सच में यकीन ना मानेंगे, ये मैंने कुछ नहीं तो आई थिंक आई हैव रिटन इन 2005, ये मैंने 2005 में लिखी थी, वाओ, बहुत बहुत खूबसूरत है, पुरानी है ये। पुरानी है, लेकिन मुझे लग रहा है उस टाइम पे वो एक एज होती है जब हम इन चीजों से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगी, ये मुझे पूरी की पूरी पक्की लगी, क्योंकि अधूरे सपनों को आपने बहुत अच्छे से संजोया। शायद वो एज ही ऐसी होती है ना कि उस टाइम पे हम इन चीजों को लेकर के काफी हाँ एक्साइटेड हो सकते हैं हर चीज को, तो आपने बहुत प्यारा लिखा है मैम, बहुत ज्यादा प्यारा। आप और कुछ ये और कुछ सुनाना चार लाइन चाहेंगे? मैंने मैं एक्चुअली जब, हाँ सिर्फ चार लाइन है एक्चुअली। कल जब सेशन परसों जब सेशन अनाउंस हुआ था तब जी मैंने सर, लिखा था, पर मैं इसको बाय नहीं पाई। फिर ये है, कोई नहीं कोई नहीं अधूरी सी ख्वाहिशें, अधूरी सी जी। ख्वाहिशें, अधूरी सी आस है, अधूरे से दिल में है एक अधूरा सा विश्वास है वाह, अधूरे हम हैं, अधूरे हम पर अधूरा नहीं कोई प्रयास है। बहुत अच्छी चार लाइनें भी बहुत अच्छी थी आपकी मैम, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज ही ऐसी है, हर कोई रिलेट कर लेता है, और जब से हम शब्दों में उतारते हैं ना, तो सच में बहुत प्यारी सी एक कविता उभर कर आती है, जिन्हें हम पूरा भले ही ना कर पाए, ये दूसरे के लिए भी होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ संजोते मतलब संजो लेते हैं, शायद इसलिए इस चीज की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप जिस एज में अभी हो उस एज में मैं भी थी, तो मैं आज के टाइम में जो फील करती हूँ ना, वो ये फील करती हूँ कि कुछ अधूरा वैसे भी नहीं रहता, जो हमारे लिए होता है वो हमको पूरा ही मिलता है। इसके लिए देयर इज मैंने भी कुछ, नथिंग लाइक, यस मैम, इसके लिए मैंने चार लाइनें सुनी है, अगर आप सेशन में बनी रही ना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। चलिए अगर नहीं भी बनी रही तो मैं आपका रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी फिर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि सच में कुछ तो। ओके मैम, बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके। आप डिलीट कर सकते हो। सो व्यूअर, कैसी लगी आपको शुभांगिनी मैम की कविताएं? हमेशा इनकी पोएम वैसे बहुत अच्छी होती हैं, पर आप अपने ओपिनियन से बताइए कि आपको कैसी लगी, और आप जुड़ना चाहते हैं अपने अधूरे सपनों की कविताओं के साथ तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद आप उन्हें कनेक्ट होने दीजिए, शायद कोई रवि सर हैं, देखते हैं उनके पास क्या है। हेलो सर, रवि हेलो रंजन। सर, मेरा नाम रवि रंजन झा है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। ओके सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ। सर आज आपको हमारे आज का पोएम का टॉपिक पता है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, मैंने अभी अभी आपका लाइव सेशन देखा था, इसलिए मैंने किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अन सॉरी शायद कोई कनेक्शन, हाफ हार्टेड ड्रीम्स, अधूरे सपने। क्या आपके पास इस पर लिखी हुई कोई आपकी कविता है जो आप हम सबको सुनाना चाहेंगे? मैम, अभी फिलहाल मैंने लिखी तो है एक दो, लेकिन मुझे अभी वो याद नहीं है, मैं कुछ और आप बताएं तो मैं कुछ और सुना सकता हूँ। कोई नहीं सर, आप अभी मैं आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप अपनी पोएम को ले आइए, अधूरे सपने पर लिखे भी, हम आपको फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर, सेशन पूरे थैंक यू 7 बजे। मैम। ओके सर, बाय। श्योर तालिब, आपका नंबर भी आएगा, या हम आपका नंबर पहले ही लगा देते हैं, नो इशू। सो गाइस, जो भी अपने अधूरे सपनों पर लिखी कविताएं शेयर करना चाहते हैं प्लीज प्लीज शेयर शेयर कीजिए, कीजिए, वेडिंग। वेडिंग। हेलो, अपने आप पे दबाव लगा दीजिए। नो क्या हो रहा है ये, इसमें कोच हो रहा है? आपकी साइड से, आपकी साइड से गॉड, इतना भयंकर। कोई नहीं सर, तालीम हमारे साथ फिर से जुड़ जाएंगे। अगर आप में से कोई है जो अपनी अधूरी सपने पर लिखी कविता पोया हमारे साथ शेयर करना चाहता है, कोई छोटी शायरी भी हो, तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हम आपको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हाफ हार्टेड ड्रीम्स को। सो गाइज, सबका कोई ना कोई आधा अधूरा सपना होता है, उस पर अपनी कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी होती है, उन फीलिंग्स को ही जब हम शब्दों का रूप देते हैं तब बन जाती एक प्यारी सी पोयम। तो प्लीज बताइए। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू शिल्पा। ये तूफान तालिब के ईयरफोन्स ना लगाने का था।
प्लीज कोई और है जो हमें ज्वाइन करना चाहेगा? शिल्पा, क्या अब आप तैयार हो? हाय, वेलकम हाय, बैक। हाय, तो कल तो आपने अपने अधूरे सपनों के साथ काफी बवाल मचाया था, आज आप हमें क्या सुनाना चाह रहे हैं? आज भी कोशिश करेंगे कि वो बवाल जारी रहे। थैंक वाओ, आपके लिए शुरू में मैं क्लैपिंग कर दे रही हूँ, तो स्टार्ट कीजिए। यू दी। अभी तो जिंदगी का हर एक मुकाम बाकी है। अभी तो जिंदगी का हर एक मुकाम बाकी है। अधूरे ख्वाब रह गए हैं हमारे, कैसे कहूँ? अभी अभी तो हमने चलना सीखा है, नापने को पूरा आसमान बाकी है, उड़ने को पूरा आसमान बाकी है। चंद कदमों के निशा कहाँ बता पाते हैं, चंद कदमों के निशा कहाँ बता पाते हैं राहे मंजिलों की, चंद कदमों के निशा कहाँ बता पाते हैं राहे मंजिलों की। अभी तो बस बोलना शुरू किया है मैंने, अभी तो बस बोलना शुरू किया है मैंने, बयां करने को अभी मेरा पूरा पहचान बाकी है, बयां करने को अभी मेरा पूरा पहचान बाकी है। थैंक यू दी। बहुत बढ़िया, बहुत अभी कुछ बढ़िया चार अधूरे लाइन। ख्वाब पे, एक ख्वाब जो अधूरा रह गया, एक ख्वाब जो अधूरा रह गया, एक साथ जो पूरा ना हो सका, एक ख्वाब जो अधूरा रह गया, एक साथ जो पूरा ना हो सका। सुबह की पहली चाय और तारों की छाव में तेरा साथ हो, सुबह की पहली चाय और तारों में तुम्हारा साथ हो। हर रोज ना सही मगर कभी कभी ही खट्टी मीठी कुछ तो बात हो, कभी रोज रोज ना सही मगर कभी कभी ही खट्टी मीठी कुछ तो बात हो। कुछ ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है मेरी, कुछ ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है मेरी, तू उम्र के अंतिम दौर तक बस मेरे पास हो, तू उम्र के अंतिम दौर तक बस मेरे पास हो। नींदों में सपने नहीं आते हैं मुझे, नींदों में सपने नहीं आते हैं मुझे, खुली आंखों में बस तेरा ही तेरा ख्वाब हो, मेरी खुली आंखों में बस तेरा ही तेरा ख्वाब हो। शायद ये अधूरे ही रह जाएंगे सपने मेरे, शायद ये अधूरे ही रह जाएंगे सपने मेरे, पर तेरे दिल में भी मेरे लिए बस थोड़े से जज्बात हैं, पर तेरे दिल में भी मेरे लिए थोड़े से जज्बात हैं। मैंने सुना है अगर आसानी से मिल जाए, मैंने सुना है अगर आसानी से हासिल हो जाए कुछ तो चाहत खत्म सी हो जाती है, अगर आसानी से मिल जाए कुछ तो चाहत खत्म सी हो जाती है। बस इसलिए तुम दूर रहकर भी मेरे पास हो, बस इसलिए तुम दूर रहकर भी मेरे पास हो। यूं ही गुजार लेंगे उम्र सारी, यूं ही गुजार लेंगे उम्र सारी तेरे इन यादों के साथ, यूं ही गुजार लेंगे उम्र सारी तेरे यादों के साथ। बस डर है कहीं साथ गुजारे लम्हे तुम्हें ना याद हो, बस डर है कहीं साथ गुजारे लम्हे तुम्हें ना याद हो। हसीन पलों को भुलाना इतना आसान नहीं, हसीन पलों को भुलाना इतना आसान नहीं, रियायत मिल जाए, रियायत मिल जाए अगर कुछ उलझे सवालात हो, रियायत मिल जाए अगर कुछ उलझे सवालात हो। यूं तो चाहत तुझे देखने की मिटती नहीं कभी मेरी, यूं तो चाहत तुझे देखने की मेरी मिटती नहीं है कभी, मगर सुल जाती है उलझने मेरी गर अधूरे मुलाकातों की सौगात हो, गर अधूरे मुलाकातों की सौगात हो। बहुत खूबसूरत शिल्पा, और मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिन्हें अधूरा बोला है ना, मतलब आपने अपने सपनों में लग रहा है बहुत कुछ मांग लिया है, बहुत ज्यादा कुछ मांग लिया है इस अधूरे सपने में। ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी होती है बहुत ज्यादा कुछ है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये सारे अधूरे नहीं रहने वाले, और इसमें से कुछ भी अगर पूरे हो जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब बहुत अच्छा लिखा शिल्पा, कैसे लिख लेती हो, कैसे लिख लेती हो इतनी छोटी सी उम्र में? कैसे का तो पता नहीं भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कुछ का ब्रेकअप हुआ है
तो इसलिए तो मैट्रिक डीपली लिखते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस मुझे जो फील होता है मतलब पढ़ के, जैसे आप लोग की पोएम्स हुई या किसी भी राइटर की पोएम पढ़ के, या सामने से अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं उसकी बातों के बीच की लाइनें जो होती हैं, मतलब जो शब्द है उनके नहीं, उन दो लाइनों के बीच के अर्थ को लेती हूँ. Yes. हाँ वही उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, तो शायद इस वजह से मैं लिख पाती हूँ. बहुत अच्छी शिल्पा, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड आई होप यस व्यूअर भी. वाह वाह वाह. और कुछ सुनाएंगे शिल्पा? थैंक यू ऑल ऑफ यू. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर शुरू हो जाएगा जब तक कोई और नहीं आता है. Yes. जब ख्वाब बड़े होते हैं तो उलझने भी होती हैं, और उलझनों को सुलझाना इतना आसान नहीं होता. तो मेरे इस पोयम का शीर्षक ही है इतना आसान नहीं. जिन जग सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में मगर, सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में मगर, दिल के जख्मों को भुला पाना इतना आसान नहीं होता. दिल के जख्मों को भुला पाना इतना आसान नहीं होता. नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में, नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में. किसी को भूल के सो पाना इतना आसान नहीं होता, किसी को भूल के सो पाना इतना आसान नहीं होता. राहें पहले भी मुश्किल थी मगर, राहें पहले भी मुश्किल थी मगर, उन राहों से अकेले लौट के आना इतना आसान नहीं होता. उन राहों से अकेले लौट के आना इतना आसान नहीं होता. अच्छे पलों में सब मुस्कुराते हैं, अच्छे पलों में सब मुस्कुराते हैं, दिल में बे इंतहा दर्द छुपा के मुस्कुराना इतना आसान नहीं होता. दिल में बे इंतहा दर्द छुपा के मुस्कुराना इतना आसान नहीं होता. रूठना तो सबको आता है, रूठना तो सबको आता है, मगर किसी रूठे को मनाना इतना आसान नहीं होता, मगर किसी रूठे को मनाना इतना आसान नहीं होता. मोहब्बत तो सब करते हैं, किसी ना किसी से मोहब्बत तो सब करते हैं, मगर उस मोहब्बत को अंत तक निभाना इतना आसान नहीं होता, मगर उस मोहब्बत को अंत तक निभाना इतना आसान नहीं होता. जिन मंजिलों के बारे में सोचकर आंखें चमक उठती हैं, जिन मंजिलों के बारे में सोचकर आंखें चमक उठती हो, उन मंजिलों को भुलाना इतना आसान नहीं होता, उन मंजिलों को भुलाना इतना आसान नहीं होता. जिन आंखों को हर रोज नए ख्वाब देखना पसंद हो, जिन आंखों को हर रोज नए ख्वाब देखना पसंद हो, उन आंखों को बिन ख्वाबों के सुलाना इतना आसान नहीं होता, उन आंखों को बिन ख्वाबों के सुलाना इतना आसान नहीं होता. जो बातें कांटों की तरह चुभती हो जहन को, जो बातें कांटों की तरह चुभती हो जहन को, उन बातों को बयां कर पाना इतना आसान नहीं होता, उन बातों को बयां कर पाना इतना आसान नहीं होता. जो सवाल खुद से ही खुद पर उठाए गए हो, जो सवाल खुद से ही खुद पर उठाए गए हो, उन सवालों के जवाब दे पाना इतना आसान नहीं होता, उन सवालों के जवाब दे पाना इतना आसान नहीं होता. जिन जख्मों के घाव को वक्त भी ना भर पाया हो, जिन जख्मों के घाव को वक्त भी ना भर पाया हो, उन जख्मों पर मरहम लगाना इतना आसान नहीं होता, उन जख्मों पर मरहम लगाना इतना आसान नहीं होता. जो इंसान एक मुद्दत से खुद से भी ना मिल पाया हो, जो इंसान एक मुद्दत से खुद से भी ना मिल पाया हो, उसका दिल किसी और से मिलाना इतना आसान नहीं होता, उसका दिल किसी और से मिलाना इतना आसान नहीं होता. मुद्दतें लगती हैं किसी को अपना बनाने में, मुद्दतें लगती हैं किसी को अपना बनाने में, फिर अपना बना के उससे दूर जाना इतना आसान नहीं, फिर अपना बना के उससे दूर जाना इतना आसान नहीं होता. वर्षों से जो रंग चुना हो जिंदगी बिताने के लिए, वर्षों से जो रंग चुना हो जिंदगी बिताने के लिए, उन रंगों को यूं ही बेपरवाह होके उड़ाना इतना आसान नहीं होता, उन रंगों को यूं ही बेपरवाह होकर उड़ाना इतना आसान नहीं होता. टूट के बिखर जाना किसी की मोहब्बत, टूट के बिखर जाना किसी की मोहब्बत में, बिखर के संभल पाना
इतना आसान नहीं होता, बिखर के संभल पाना इतना आसान नहीं होता, जब तोड़ा गया हो बड़ी शिद्दत से दिल आपका, जब तोड़ा गया हो बड़ी शिद्दत से दिल आपका, फिर उस टूटे दिल को कहीं और लगाना इतना आसान नहीं होता, फिर उस टूटे दिल को कहीं और लगाना इतना आसान नहीं होता। अजीब खेल है इस मोहब्बत का, अजीब खेल है इस मोहब्बत का भी, किसी को हम और किसी का हमें मिल पाना इतना आसान नहीं होता, किसी को हम और किसी का हमें मिल पाना इतना आसान नहीं होता। सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में मगर, सब कुछ भूल जाता है जिंदगी में मगर, दिल के जख्मों को भुला पाना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान। थैंक यू। बहुत सॉरी, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। ये भी अधूरे सपनों का एक दूसरा वर्जन मुझे लग रहा था कि आसान नहीं होता। बहुत प्यारा शिल्पा, ऐसे ही लिखते रहो, यस लिखते रहो अपने इवन पोएम से अलग भी, मतलब खुद को एक्सप्लोर करते रहो चीजें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू शिल्पा फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय, बाय बाय। और प्लीज खुद को रिमूव कर देना, क्योंकि मुझे लग रहा है इस साइड से आज कुछ इश्यू चल रहा है मेरी साइड से। ओके शिल्पा, ओके जी, ओके बाय। सुप्रिया, ये थी शिल्पा। आगे देखते हैं हमारे साथ जो है, मैं उन्हें ज्वाइन करती हूँ। और आपको शिल्पा की पोएम कैसी लगी प्लीज बताते रहिए। और हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम पोएम सुन रहे हैं आपके हाफ हार्टेड ड्रीम्स पर, अधूरे सपनों पर। तो आपके पास अगर है इससे रिलेटेड कोई पोएम तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। देखते हैं कौन है। हाय सर, हेलो, हाय, आपका नाम? हेलो सर, आपके पास अपने अधूरे सपने से रिलेटेड कोई पोयम है? हेलो शायद किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। मैं नेक्स्ट को अपने साथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। सुबह अगर आपके पास अपने अधूरे सपनों से रिलेटेड कोई भी पोएम है, आप प्लीज एक बार सुन लीजिए जो हम कह रहे हैं। अगर आपके पास पोएम है तो आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हेलो हेलो शिल्पी मैम, लगता है नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। हाय मैम, कैसे हैं? व्यूअर आप प्लीज मुझे बताएंगे कि हम दोनों की ही वॉइस कैसी आ रही है या वीडियो प्लीज। शिल्पी मैम, हम आपको बाद में ज्वाइन करते हैं फिर, मुझे लग रहा है कोई इशू है और आज बहुत ज्यादा इशू है, आज पूरा सेशन ही। ना तो ये ज्वाइन हो रहे हैं और कोई नहीं व्यूअर, हम देखते हैं शिल्पी मैम फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगी, तब तक हम अपने दूसरे राइटर की ओर चलते हैं। हेलो अजय सर, सर कहाँ भागे जा रहे हैं? भाग नहीं रहा मैम, लाइट्स ऑन कर रहा हूँ। ओके ओके, हेलो, मुझे लगा आप अधूरे सपनों के पीछे आपने दौड़ स्टार्ट कर दी है। नहीं, हो सकता है कि सारे सपने हैं जो अधूरे हैं ना, उनको पकड़ने जा रहा था। तो कैसे हैं आप सर? आई एम फाइन, वेरी गुड मैडम, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो सर आपको आज की थीम तो पता ही होगी, हाफ हार्टेड ड्रीम। हाँ, तो आपके पिटारे में क्या है यार सुनाने के लिए? बहुत कुछ नहीं है, अभी लिखा है जस्ट। बिल्कुल, फिर तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ताजा ताजा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल लेटेस्ट फीलिंग होती है। तो आप शुरू कीजिए।
पता नहीं लेटेस्ट है कि नहीं है। अभी लिखे तो लेटेस्ट ही हुई है। मेरी वॉइस मैम क्लियर आ रही है ना? यस सर क्लियर है। एक्चुअल में क्या ईयरफोन नहीं है आज। नो इशू सर, आपकी वॉइस क्लियर है, आप शुरू कीजिए। मैं बनना चाहता था बादल, मैं बनना चाहता था बादल पर हवा बन गया, पर हवा बन गया, उड़ा ले गया अपने को अपने से दूर, उड़ा ले गया अपने को अपने से दूर, और सपना मेरा वो अधूरा रह गया, सपना मेरा वो अधूरा रह गया। तपन बुझाना चाहता था दिल की, तपन बुझाना चाहता था दिल की, बरसा कर ठंडी बौछारे इस पर, बरसा कर ठंडी बौछारे इस पर छा गया तूफा बनकर, पर छा गया तूफा बनकर, मैं एक धूल भरा कारवा बन गया, मैं एक धूल भरा कारवा बन गया। मुकाम हासिल ना हो सका वो, मुकाम हासिल ना हो सका वो जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था, पर जो मिला मुझे, पर जो मिला मुझे, मैं जहां पर हूं, पर जो मिला मुझे, मैं जहां पर हूं, अब तो यही मुकाम मेरा हमनवा बन गया, मेरा हमनवा बन गया। बनना चाहता था बादल पर मैं हवा बन गया, बनना चाहता था बादल पर मैं हवा बन गया। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप, मतलब आपने अपने डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को कुछ बादल और हवा तूफानों में बदल दिया। मुझे बहुत पसंद आया सर आपका, बहुत पर्सनली मुझे आपकी इमेजिनेशन, मतलब अधूरे सपनों को आपने जो एक तरह से इमेजिनेशन मतलब किया है ना, मतलब खुद को ना रख करके, किसी स्पेस में किसी जॉब को ना रख करके आपने बादल को चुन लिया सीधे, आपने सबको कब्जा करना था। अच्छा हुआ आपका ख्वाब अधूरा रह गया। मैं एक्चुअल में क्या है कि उस चीज को बताना नहीं चाहता कि मैं कैसा था वो। हम समझ सकते हैं। मैं अभी टीचिंग जॉब में हूँ। यस मुझे पता है। तो यहाँ पर आप और मैं कुछ कुछ एक जैसे ही, आप भी मैथ टीचर हो, आप भी आप हो, मैंने कुछ टाइम पहले छोड़ा है, मैं भी मैथ टीचर रह चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ और सुनाएंगे सर आप? इससे संबंधित तो कुछ है नहीं, पर ओके सर, इससे मैंने अब्दुल कलाम जी पे एक लिखा था। अगर मैं दो लाइन, क्योंकि उनके भी सपने काफी बड़े थे, और तो एक छोटी लाइन है, मैंने दो तीन लाइनें सुनाना चाहता हूं। सर आप सुना सकते हैं, क्योंकि आप किसी और के सपने पर भी सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुनाइए प्लीज, गो अहेड। तो वो थोड़ा सा हमें क्या कि एक विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करते थे, तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था। मंजिल मुश्किल नहीं, मंजिल मुश्किल नहीं गर प्रयास पूरा हो, मंजिल मुश्किल नहीं गर प्रयास पूरा हो, वो सपना सपना नहीं जो रह जाए अधूरा हो, वो सपना सपना नहीं जो रह जाए अधूरा हो। मंत्र सफलता का वो हमें ये दे गए, जो देखो कोई सपना तो आंखें खुली रखना, जो कोई देखो सपना तो आंखें खुली रखना। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि, ओजस्वी चेहरा, और लक्ष्य पर थे जिनके नैन, और भारत के थे वो लाल, कहलाए गए मिसाइल मैन, कहलाए गए मिसाइल। वेरी इंस्पायरिंग सच का आपने वो मतलब कहा, तो कलाम जी ने भी था, उन्हीं की भाषा को आपने थोड़ा सा किया है सर। सपने को बस आपको सपने होते हैं जो कभी कभी अधूरे रह जाते हैं किसी कारणों से, लेकिन सर बहुत इंस्पायरिंग था, एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आपने जो अपनी पहली वाली पोएम बोली थी सच में वो बहुत अच्छी थी, थैंक यू सर। और आप प्लीज अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी साइड से ना मेरे एंड से इशू हो रहा है। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू सर, बाय। तो गाइस मैं लेती हूँ दूसरे राइटर को अपने, आप प्लीज बने रहिए और हमें बताइए कि आपको अब तक जितनी भी सुनी है आपने आपको कैसी लगी। ताली बोल रहे हैं सर आप जल्दी ही प्रिंसिपल बन जाएं, बिल्कुल ताली वजह से जल्दी ही प्रिंसिपल होंगे और तब उनके अंदर जो मैच्योरिटी आएगी उसमें और कुछ सुंदर मिले सुनेगा सुनने को मिलेगा। ये क्या है, हाय नंदनी मैम, हाय, गुड इवनिंग, मुझे लगा था, गुड इवनिंग, मुझे लगा था आप आज कुछ और ही दर्शन करवा रही है अपने चेहरे के अलावा, आज आपका फर्स्ट समय बताएगा। क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है अभी। ओके मैम, तो मैम आपको श्योर श्योर श्योर। तो गाइस आपको मैं बता देती हूँ फिर से, हमारी थीम है हाफ हार्टेड ड्रीम्स,
तो मैम आपको हमारी आज की थीम पता है जिस पर आपको अपनी पोएम सुनानी है। वाह ग्रेट, अब मैम रेडी हो गई हैं, जरूर कुछ धमाका होने वाला है, व्यूअर थम के रहिएगा। कुछ तो बस वही बोलूंगी, और आज का थीम है अधूरे। जी आवाज आपकी थोड़ी धीमे आ रही है, आप प्लीज थोड़ा सा लाउड। आज की थीम है अधूरे। जी जी जी, तो होता है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, तो yes. बिल्कुल चार लाइन। ओके, मुझे लग रहा है व्यूअर को अभी भी आपकी आवाज ठीक से नहीं जा रही है, बट मुझे क्लियर आ रही है, आवाज बहुत धीमे है। अच्छा धीमे, एक सेकेंड। श्योर श्योर श्योर, मैं हटा दूं जरा इसे, शायद इसका इश्यू हो कुछ। मेबी अब क्लियर आ रही है आपको आवाज? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत क्लियर है। अच्छा थैंक यू। तो मैं चार लाइन से शुरू करूंगी अपनी। जी मैम। मेरी पलकों ने जिन ख्वाबों को संजोया था, मेरी पलकों ने जिन ख्वाबों को संजोया था, शायद कहीं खो से गए हैं, शायद कहीं खो से गए हैं। जब कभी बैठी तनहा सोचती हूँ कहीं ना कहीं एक ख्वाब दम तोड़ता है, कहीं ना कहीं एक ख्वाब दम तोड़ता है। हेलो, यस मैम आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा yes, जब कभी बैठ तन्हा सोचती हूँ, कहीं ना कहीं एक ख्वाब दम तोड़ता है। कभी बेबसी में तो कभी जिम्मेदारियों के बीच घुटता है, कभी बेबसी में तो कभी जिम्मेदारियों के बीच घुटता है। मेरी पलकों ने जिन ख्वाबों को सजोया, शायद वो कहीं खो से गए हैं। और मैं आगे एक छोटी सी पोयम रखूंगी। एक हंसी ख्वाब देखा, एक हंसी ख्वाब तो जिंदगी मुस्कुराने लगी, देखा एक हंसी ख्वाब तो जिंदगी मुस्कुराने लगी। मैंने ख्वाबों को आंखों से ओझल होते देखा है, मैंने अपने ख्वाबों को आंखों से ओझल होते देखा है। जाते ख्वाबों को मैंने आंखों में लम्स होते देखा है। देखा एक हंसी ख्वाब तो जिंदगी मुस्कुराने लगी। छूटे थे कुछ ख्वाब मेरे आंखें भी रोई थी। जागी थी सारी रात सारी रात ना सोई थी। एक हंसी ख्वाब देखा मैंने। कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे रह गए। कुछ फिसले हाथों से कुछ में किए सफर अकेले। एक हंसी ख्वाब देखा था तो जिंदगी मुस्कुराने लगी। आज भी सोने नहीं देते हैं यूं चैन से रहने नहीं देते हैं। उठ चल कागज कलम उठा उन ख्वाबों को एक रंग दे दे। उन ख्वाबों में एक रंग भर दे। अपनी कलम से उनको एक नया आयाम दे दे। और मैं दो लाइनें और लास्ट में बोलूंगी कि चलते सफर में नए ख्वाबों को नए आगाज मिलेंगे। कुछ छूटेंगे तो कुछ साथ चलेंगे। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और चारों बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका कि आपने मेरी ऐसी पोयम सुनी ही। इतना अच्छा तो नहीं लिखती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छा लिखूं। मैम मैं अब आपके लिए बोलूं तो आपकी जो लास्ट की दो लाइन है ना वो गजब कर गई है कसम से। वो इतनी इंस्पायरिंग भी है, मतलब बस दिल जीत लिया आपकी वर्ड ने। और जो पहली वाली थी वो थोड़ी इमोशनल भी थी और साथ में ऐसा भी था नई मंजिल की भी बात हो रही थी। होता है ना कि एक गृहिणी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब दो बेबी हो। बिल्कुल, एक बेबी बहुत छोटी है। तो कल मुझे पता चला, कल तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, कल ही मैंने लाइनें लिखी टाइम निकाल के, मैंने कहा आज जरूर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन लास्ट की आपकी दो लाइन एकदम बहुत अच्छी थी, सब पर भारी थी क्योंकि वो इंस्पायरिंग भी थी। और थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके बाय बाय। तो व्यूअर कैसी लगी आपको नंदिनी जी की पोयम? आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट पोएट को कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। अब प्लीज गाइस, अगर आपके पास अपने अधूरे सपनों से रिलेटेड कोई भी पोयम है, अपनी लिखी हुई पोयम, तो आप प्लीज हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। और बताते रहिए हमारे व्यूअर के पॉइंट्स के बारे में। शिल्पी जी को फिर से ज्वाइन किया है, शायद इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो मैम, हाय व्यूअर, प्लीज आप मुझे बताएंगे कि शिल्पी मैम की वीडियो शो हो रही है या नहीं? जब तक जो भी कोई हमारे साथ लाइव आना चाहते हैं प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें, एंड प्लीज जो भी आपके पास है उसे लिखकर पहले रख लें। व्यूअर प्लीज आप मुझे बताएंगे कि शिल्पी मैम की ऑडियो वीडियो के बारे में। शिल्पी मैम अभी भी कोई इशू है, अभी भी क्लियर नहीं है। ओके, शायद वॉइस क्लियर आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए बोलना। ऑडियो यस, ऑडियो क्लियर है, वीडियो इज नॉट कमिंग। वीडियो प्रॉपर नहीं है, नहीं व्यूअर बोल रहे हैं नाउ। ओके, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए इससे पहले कि हम आप फिर से डिस्कनेक्ट हो जाए। ड्रीम्स है तो उसी के ऊपर मैं सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है अधूरे बिल्कुल अधूरे ख्वाबों के साए में रहना पसंद है मुझे। ख्वाबों के साथ में रहना है क्योंकि संघर्ष कड़वा नहीं, वैसे तो सब क्या होता है, संघर्ष नहीं मीठा मुझे। संघर्ष में रहना पसंद है मुझे। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं एक है। ये क्या पता नहीं। हाँ, अधूरे ख्वाबों के साए में रहना पसंद है मुझे। मिलने को तो मिल जाती है जीत पहली ही दफा, मिलने को तो मिल जाती है जीत पहली ही दफा, लेकिन पहली दफा में मिलने वाली जीत अहंकार है अपने साथ लाती। लेकिन पहली दफा में मिलने वाली जीत अहंकार का साथ लाती, अहंकार की अपेक्षा हार से मिलने वाला जीत का पैगाम पसंद है मुझे। हाँ, अधूरे ख्वाबों के साए में रहना पसंद है मुझे। अधूरे ख्वाब हमेशा गतिशील रहने को करते हैं प्रेरित, अधूरे ख्वाब हमेशा गतिशील रहने को करते हैं प्रेरित। हाँ, इसीलिए अधूरे ख्वाबों के साए में रहना पसंद है मुझे। वेरी ब्यूटीफुल, सच अधूरे ख्वाबों के साए में रहना हम सभी को अच्छा लगता है क्योंकि भले ही वो पूरे ना हो पर एक अच्छी सी फीलिंग वो हमें देते रहते हैं, एक होती है ना अनुभूति वो हमेशा रहती है। मैम, अगर अधूरे होंगे तभी हम उसे निरंतर पूरा करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, अगर सब कुछ पूरा होगा तो हम कोशिश किसे पूरा करने की करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही।
वेरी इंस्पायरिंग. मुझे ऐसा लग रहा है सब हमें आज इंस्पायर करने के लिए बैठे, सब अपने ड्रीम के पीछे है, और जो मेरा ड्रीम अगर अधूरा रह गया, मुझे लग रहा है मुझे भी खुद को उधर पुश करना चाहिए. वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी जो भी आपके ड्रीम्स हैं जरूर पूरे हों, यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हमेशा होंगी. थैंक यू मैम, आपकी सबकी विशेष बस मेरे साथ बनी रहे. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनर. जी बिल्कुल, थैंक यू, बाय. गाइस, अगर आप में भी कोई ऐसा है जो अपने अधूरे सपनों को शब्दों में पिरोकर बहुत प्यारी सी कोई पोयम लिख सकता है तो हमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम सब सुनेंगे. सो देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ कौन ज्वाइन होने वाले हैं. राइट शुभा मैम, ये हमेशा ही कमाल लिखती हैं. हेलो, हाय तालिब. हाय तालिब, हाय. आप फिर से नगाड़े बजा रहे हैं. अब वॉइस ठीक है या नहीं है? बहुत ही कोरी है. आप व्यूअर आप प्लीज बताएंगे आपको क्या. अगर वॉइस ओके तो मैं सुनाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सुनाऊंगा. आई थिंक मेरे साइड से अभी वॉइस ओके है, यहाँ पे कोई शोर नहीं आ रहा है. जब मैं बोल रही हूँ तो आपकी साइड वो आवाज बोल रही है. अच्छा बॉयज ओके है. ओके तो ठीक है, तालिका आप स्टार्ट कीजिए. अगर ठीक है तो ये जो ख्वाबों का जो टॉपिक है एक्चुअली उसी टॉपिक पर जो है मेरा भी एक ख्वाब था, और मैं अपनी पोएम पहले खत्म करूंगा और उसके बाद जो है आपको जो है वो जो टॉपिक है वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या ख्वाब था मेरा. तो वो इस तरह है कि प्यार और इश्क का बखान लिए बैठा हूँ, प्यार और इश्क का बखान लिए बैठा हूँ, जिंदगी को बहुत से इम्तिहान दिए बैठा हूँ. मेरे शहर के लोग मेरे दीदार के तालिब हैं, मेरे शहर के लोग मेरे दीदार के तालिब हैं, मैं अनजान शहर में नहीं पहचान लिए बैठा हूं. गिरते जा रहे हैं मेरी नजर से कुछ लोग मेरे अपने ही, मैं उनके सामने अनजान बना बैठा हूं. वो जहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो जहां तक पहुंचना चाहते हैं, मैं छोड़े वो मुकाम बैठा हूं. अपने दिल में बुजुर्गों के अहकाम लिए बैठा, अपने दिल में बुजुर्गों के अहकाम लिए बैठा हूँ. कल फुर्सत से गुजार सकूं कुछ पल उनके साथ, इसलिए आज बहुत से काम लिए बैठा हूँ. मेरी कामयाबी उनके लबों की हंसी, मेरी कामयाबी उनके लबों की हंसी, बस यही एक अरमान लिए बैठा हूँ. और मेरे कलम से इश्क और मोहब्बत की बात सुन के मुझ पे शक करने वाले, मेरे कलम से इश्क और मोहब्बत की बातें सुनकर मुझ पे शक करने वालों होश उड़ जाएंगे अगर सच लिख दिया अंदर इतना तूफान लिए बैठा हूं. मेरे कलम से इश्क और मोहब्बत की बात सुनने वालों होश उड़ जाएंगे अगर सच लिख दिया अंदर इतना तूफान लिए बैठा हूं. तो थैंक यू, ये एक सच्चाई है जहां जब मैं लिखता हूं या मैं कुछ भी शेयर करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि दिल टूटा है और घर से दूर है और अकेला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो इंसान अकेला होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं. और ये मेरी पोएम जो थी वो इसी चीज के बारे में थी कि मैं हर नए शहर में जाता हूँ वहां पर भी पहचान बना लेता हूँ, और मैं जिस शहर में होता हूँ वहां पर भी लोग जो है मुझे पसंद करते हैं. तो बस यही चीजें थी जो मुझे बतानी थी कि यही एक ऐसा ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि हर तरह से लोग मुझे जाने. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस. ओके, एंड व्यूअर बताएंगे कि उन्हें समझ आया कि नहीं. श्योर, ओके, बहुत अच्छे तालिब, बाय. थैंक यू, बाय बाय. तो ये थी तालिब की पोयम. आप सब कमेंट करके बताएंगे आपको ये समझ आया या नहीं. नेक्स्ट हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं. वॉइस आ रही है? मैं बोलती हूँ.
या ओके हाय मैम ओके हेलो हेलो मैं थी अभी लिखी है तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको मैनेज कर लेना नो मैम नहीं मैम पहले आपका एक छोटा सा इंट्रो क्योंकि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं और आपको हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर भी जानना चाहेंगे आपका इंस्टाग्राम हैंडल तो हमें शो हो रहा है सो मायसेल्फ अंजलि तोमर मैं बहुत टाइम से राइटर हूँ बट अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ राइटिंग के थ्रू तो मेरा कोई पैशन नहीं है सिर्फ मैं एंजॉयमेंट के लिए और आइदर अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए मैं लिखती हूँ तो मिस्टीरियस गर्ल मैं कल भी ज्वाइन की थी बट कल मेरे पास लाइंस नहीं थी और आज मैंने अभी जस्ट लिखी है तो ओके मैम अब आप स्टार्ट कर सकती हैं हम सब सुनना चाहेंगे आपके ख्वाबों को ओके हाँ कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं पर ये ख्वाब जो एक लड़की के होते हैं वो खुलकर हंसना चाहती थी पर लोगों ने कहा लड़कियां खुलकर हंस नहीं सकती वो खुलकर दुनिया की सैर करना चाहती थी पर लोगों ने कहा वो अकेले दुनिया की सैर कर नहीं सकती वो खुलकर अपनी आवाज उठाना चाहती थी पर लोगों ने कहा लड़कियां आवाज उठा नहीं सकती वो अपने सपनों के मुकाम हासिल करना चाहती थी पर लोगों ने कहा लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी वो अपने सपनों का मुकाम हासिल करना चाहती थी पर हाँ दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है पर वो अपने सपनों के मुकाम हासिल कर नहीं पाए पर अब कई जगह लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं वो अपने सपनों के मुकाम और खुलकर बोल हंस सकती हैं पर कई जगह उनके सपने अधूरे ही रह गए हैं सच कहा ये अधूरा सपना मोस्ट ऑफ द गर्ल हम बोल सकते हैं क्योंकि फ्रीडम अभी बहुत कम तबका ऐसा है जिसने की फ्रीडम दी है कुछ ने फ्रीडम दी है तो उस फ्रीडम की भी एक लिमिटेशन है तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई ख्वाब तो हम सबका टूटा है और अधूरा Obviously. है बहुत प्यारा अंजलि बहुत अच्छा लिखा है आपने सब अपना अलग अलग बोल रहे हैं लेकिन आपका सबसे अलग है आपने होता ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी आपने इसे जोड़ा सच में बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि सच में हम लड़कियों के कोई ना कोई ख्वाब तो अधूरा इस तरह का रह ही जाता है और कुछ तो ऐसे भी जिनके बहुत सारे अधूरे रहे बहुत सारे और कई बार एक्चुअली हमें सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं हम बोलें कि हमारी फैमिलीज फ्रीडम देती है हमें बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे हमें सैक्रिफाइस करना ही पड़ जाता है राइट कुछ विजिबल है कुछ इनविजिबल है बट कुछ सपने सच में अधूरे हैं आप कुछ और भी सुनाना चाहेंगे अंजलि तो वैसे तो मेरे पास है कुछ आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा मैं बस तो व्यूअर ये है अंजलि आपकी ये आपको उनकी फर्स्ट पोएम कैसी लगी आप प्लीज हमें बताएं ओके तो एज जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल ही रहा था लड़कियों के ऊपर तो मैं कुछ और सुनाती हूँ श्योर है हर नारी के आन बान शान की कहानी ये है हर युग की प्रेम समर्पण और धर्म की कहानी कि द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत कर डाली कि सीता के अपहरण ने अग्नि परीक्षा कर डाली कि पार्वती के क्रोध से वो बनी महाकाली हर युग में यूं ही सर्वप्रथम रहेगी हर वो नारी जिसकी अलग है कहानी बहुत अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा क्योंकि कलयुग तो ठीक है बट सत्य को त्रेतायुग द्वापर युग में भी कोई ना कोई ऐसी रही है जिनके सपने अधूरे रहे हैं आपने उन्हें भी एक्चुअली इंस्पायरिंग वुमेन्स जिनको हम कभी रिग्रेट नहीं कर सकते मतलब उन्होंने जो किया वो सभी के लिए हम कहाँ आए मतलब हम तो कुछ भी फेस नहीं कर रहे हैं वो बहुत कुछ फेस कर लिए हैं बिल्कुल अंजलि आपकी दोनों ही छोटी छोटी थी पर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी एंड बिल्कुल ट्रू थी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग उम्मीद है आप आगे भी हमसे जुड़ते रहेंगी और अपने अच्छे अच्छे थॉट्स हमारे साथ शेयर करती रहेंगी या श्योर ओके मैम बाय बाय बाय
सो गाइस ये थी अंजलि की पोयम। मैं ये नहीं कहती सभी गर्ल्स के साथ ऐसा है, पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अभी भी ऐसी हैं जिनके सपनों को या तो पूरा होने ही नहीं दिया जाता है या फिर उन सपनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ ऐसे भी होती हैं जो अपना अपनी मंजिल कहीं ना कहीं से पा ही लेती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी ऐसी होती हैं। सो गाइस कोई और भी है, कुछ टाइम बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। अगर एक दो मिनट में कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगी, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करूंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। नहीं है जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेगा। सो थैंक यू व्यूअर हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड मैं उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ जो सामने आए अधूरे सपने पर अपनी प्यारी प्यारी लाइनें उन्होंने हमें सुनाई। थैंक यू गाइस, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड किसी अच्छी और अमेजिंग थीम के साथ। तो आप तैयार रहिए क्योंकि कुछ तो अमेजिंग होने वाला है एवरी वीकेंड, नए नए चैलेंज आएंगे, सेम कुछ भी नहीं रहने वाला है। सो जब तक के लिए बाय।